हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एटीएम कार्ड किस प्रकार जो है आप लोग पिन बना सकते हैं। अगर नया एटीएम कार्ड आया है या मान लो किसी का आने वाला है, बहुत ही कोई जो है एटीएम पिन ऑनलाइन घर बैठे ही बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मोबाइल बैंकिंग आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा या इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर ये सब ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप लोग एटीएम मशीन का यूज़ कर सकते हो नज़दीकी एटीएम में विजिट करके, लेकिन विजिट करना पड़ेगा। अगर आप लोग ऑनलाइन घर बैठे ही बनाना चाहते हो तो मोबाइल बैंकिंग की मदद लेनी पड़ेगी। तो मोबाइल बैंकिंग में सबसे पहले आपको जो है इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। तो उसके बाद सबसे पहले आपको जो है मोबाइल बैंकिंग में लॉग इन करना है। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर शो करेगा, अवेलेबल बैलेंस जो भी आपका बैलेंस हो और रिसेंट ट्रांजेक्शन वगैरह पर। तो सबसे पहले हमें एटीएम का पिन बनाना है। तो एटीएम पिन बनाने के लिए इसे जो है थोड़ा सा स्क्रॉल करके कार्ड वाले सेक्शन पर आना पड़ेगा, जिसमें डेबिट कार्ड, शॉपिंग, एनसीएमसी, अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड, बहुत सारा ऑप्शन दिया गया। तो डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसमें आपको तीन फैसिलिटी मिल जाती है, डेबिट कार्ड कंट्रोल, ग्रीन पिन जनरेट जो सेकंड ऑप्शन है, और नीचे जो है अप्लाई फॉर डेबिट कार्ड। तो सेकंड ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है क्योंकि हमें जो है एटीएम कार्ड के लिए पिन बनाना है। तो एटीएम कार्ड के पिन बनाने के लिए इस पे ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो आपको एटीएम कार्ड मिला है, नया एटीएम कार्ड मिला है या ओल्ड एटीएम कार्ड का पिन चेंज करना चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले एटीएम कार्ड का पिन बनाने के लिए एटीएम कार्ड नंबर, यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड के नंबर डालने होंगे। तो मैं एक फिलहाल ऐसे ही डाल दे रहा हूं। मान लो ये एक एटीएम कार्ड का नंबर हो गया। उसके बाद यहां जो है बैक साइड आप लोग पलटाओगे एटीएम कार्ड के, तो वहां पर CVV लिखा होगा। उसमें तीन अंक के नंबर होते, जो भी तीन अंक हो उस तीन अंक नंबर को टाइप कर देना। उसके बाद एक्सपायरी ईयर ये कार्ड के ऊपर में ही लिखा होगा, बहुत ही कोई का हो सकता है 4 हो, उसके बाद 2028 या 29 जो भी आपका हो कार्ड पे उस सेलेक्ट करना है। उसके बाद एंटर जनरेट पिन फॉर एटीएम कार्ड, आप जो पिन रखना चाहते हो उसका पिन क्या बनाना चाहते हो। मान लो 1 2 3 4 तो पिन नहीं होता है, लेकिन आप लोग, मैं ऐसे ही सिर्फ सजेशन दे रहा हूँ। उसके बाद ये जो पिन है वही 1 2 3 4 कन्फर्म करना है कि आपको जो ऊपर वाला एटीएम कार्ड और नीचे वाला एटीएम कार्ड का पिन सेम हो। उसके बाद आपका जो TPIN पिन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 अंकों का पिन होता है। 8 अंकों का पिन देने के बाद प्रोसीड करना है। उसके बाद आपके फोन पे, रजिस्टर्ड फोन पे जो भी एटीएम अकाउंट से लिंक है उस पे एक जो है मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी देने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद आपका एटीएम का पिन सक्सेसफुली बन जाएगा। और मान लो TPIN पिन आप लोग भूल गए हो, किसी कारणवश इसे भूल गए हो, तो इसे क्या करना है, इस पिन को आप लोग जो है बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, सबसे पहले आपको मोबाइल बैंकिंग ऑन करना है। अगर मान लो एटीएम कार्ड का पिन, सॉरी TPIN पिन भूल गया हो, तो यहाँ पर देखिए यहाँ फॉरगेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ लास्ट वाला ऑप्शन पे TPIN पिन, यहाँ पर CIF नंबर देके आपका जो है OTP वेरिफिकेशन होने के बाद, सबमिट करने के बाद जो है आपका TPIN पिन सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। आई होप कभी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेशन।